गुड मॉनिंग स्टूडेंट्स दिस इज द फोर्थ पार्ट ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न मोर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट वन इज़ मार्केट अ मार्केट इज़ अ लोकेशन वे बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट प्राइज डिटर्माइंड बाई द फोर्सेज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड मार्केट क्या है एक प्लेस कह सकते हैं वो जगह जहाँ पे बायर्स और सेलर्स मेट कर रहे हैं और गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं एट पर्टिकुलर प्राइस पे ठीक है यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स में मार्केट को एक वाइडर टर्म दिया है क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में मार्केट क्या कहते हैं जहाँ पे कई सारी शॉप्स हो उस प्लेस को हम मार्केट का नाम दे देते हैं है ना जैसे एक प्लेस पे कई सारी शॉप्स हैं तो हम वो नैनी मार्केट बोल देते हैं चौक मार्केट बोल देते हैं चौक में कई सारी शॉप्स है कटरा में है तो हमने उसको क्या नाम दे दिया मार्केट बट इकोनॉमिक्स में मार्केट डज नॉट मीन अ पर्टिकुलर प्लेस ओनली ठीक है जहाँ पे भी गुड्स और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज हो रहे हैं बायर्स एंड सेलर्स मीट कर रहे हैं उस प्लेस को हम इकोनॉमिक्स में क्या कह देते हैं मार्केट नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ मार्केट देयर मस्ट बी बायर्स एंड सेलर्स फॉर द कॉम्यूडिटी वहाँ पर बायर्स और सेलर्स होनी चाहिए बायर्स एंड सेलर्स ऑफ द कॉम्यूडिटी मस्ट इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट उनके बीच में कॉन्टैक्ट होना चाहिए एक सोशल रिलेशनशिप होना चाहिए देयर शुड एग्जिस्ट अ फ्री कॉम्पिटिशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स सो दैट ओनली वन प्राइस प्रिवेल्स फॉर द सेम कॉम्युडिटी थ्रू आउट द मार्केट फ्री कॉम्पिटिशन होना चाहिए जिससे एक ही प्राइस प्रिवेल करेगा एक पर्टिकुलर कॉम्युडिटी का ना नेक्स्ट वन इज इनकम इनकम इज अ रिजल्ट ऑफ कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज द ओनर ऑफ दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिसीव्ज इनकम ऑफ देयर प्रोडक्टिव सर्विसज रेंडर्ड इनकम क्या होता है बेटा कभी भी हम कोई भी कॉमोडिटी को सेल करते हैं तो जो भी मनी हमको रिसीव्ड होता है दैट वी क्वालिटाइज इनकम और इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं हायर करते हैं दैट इज़ लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योर इन सबको भी हम पेमेंट करते हैं और वो उनकी क्या होती है इनकम लैंड रेंट के फॉर्म में लेता है लेबर वेजेस के फॉर्म में कैपिटल इंटरेस्ट के फॉर्म में इंटरप्रेन्योर प्रॉफिट्स के फॉर्म में मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताया था ना बेटा तो वो अपनी सर्विसेज रेंडर करते हैं और उन सर्विसेज के लिए वो क्या लेते हैं अपनी इनकम नेक्स्ट सेविंग सेविंग इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर नेट कंजम्पशन सेविंग क्या होता है आपकी जितनी इनकम है उसमें से आपने कितना स्पेंड कर दिया उन दोनों को हम माइनस कर देंगे तो आपकी क्या निकल आएगी सेविंग्स तो एस इज़ इक्वल्स टू वाई माइनस सी वाई मीन्स इनकम सी मतलब कंजम्पशन आपको टोटल कितनी इनकम मिली और उसमें से कितना आपने कंज्यूम कर ली इनकम यूज़ कर ली इनकम दोनों को माइनस कर देंगे जो मनी लेफ्ट ओवर होगा वो आपका क्या हो जाएगा सेविंग्स नेक्स्ट इज इकोनॉमी An economy is a large set of interrelated production and consumption activities that aid in determining how scarce resources are allocated. The production and consumption of goods and services are used to fulfill the needs of those living and operating within the economy, which is also referred to an economic system. Economic yahutaya beta ex system. Hai. जहाँ पे पीपल गेट देयर लिविंग्स अपनी लिविंग्स को अर्न भी करते हैं क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो वहाँ पे काम करते हैं और उससे इनकम रिसीव करते हैं तो कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज़ हैं वो सब इकोनॉमी का ही एक पार्ट है ठीक है और इन सब से क्या होता है हमारी वॉन्ट्स हमारी नीड्स सेटिस्फाई होती हैं नेक्स्ट सर्विसेज सर्विसेज इज़ एन एक्टिविटी ऑफ परफॉर्मिंग वर्क फॉर द अदर्स सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न बैक वंस दे आर प्रोवाइडेड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज क्या होती हैं एक्टिविटी है एक ठीक है ठीके? जो रेंडर करते हैं किसी को जैसे डॉक्टर्स के पास हम जाते हैं अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर क्या करता है हमको मेडिसिन लिख के देता है ठीक है तो डॉक्टर हमको इतनी सर्विस दे रहा है कि नहीं दे रहा तो सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न बैक एक बार सर्विस दे दी जाती है तो वो रिटर्न बैक नहीं हो जाती गुड्स की तरह एंड इट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सर्विस प्रोवाइडर और उसकी सर्विसेज को आप उससे अलग नहीं कर सकते हो जैसे डॉक्टर के पास जो नॉलेज है जो स्किल है क्या आप उससे उसकी नॉलेज और स्किल को अलग कर सकते हो नहीं कर पाते ना तो सर्विसेज हम सर्विसेज ले सकते हैं पर सर्विस प्रोवाइडर से उसकी सर्विस को अलग नहीं कर सकते इज इट क्लियर नेक्स्ट इज बेसिक इकोनॉमिक एंटिटीज़ इसका मतलब और क्या है बेसिक यूनिट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस ठीक है आपकी बुक में बेसिक यूनिट्स के लिए बात कर रहा है तो मतलब क्या है इकोनॉमिक में कौन कौन सी यूनिट्स हैं फर्स्ट वन है हाउस होल्ड्स हाउस क्या होता है रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग अंडर अ सिंगल रूफ एंड टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन जॉइंटली कई सारे लोग एक ही सिंगल रूफ के नीचे रह रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं इकोनॉमिक डिसीजंस ले रहे हैं क्योंकि वो गुड्स को खरीदते हैं और वो गुड्स को खरीदने से पहले वो ये कोशिश करते हैं जो मनी स्पेंड करने जा रहे हैं उस गुड्स को खरीदने के लिए उससे उनकी मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले उसे मैक्सिमम उनकी नीड्स उनकी वांट्स फुलफिल हो ठीक है नेक्स्ट आता है फर्म्स फर्म्स क्या होता है बेटा इट रिफर्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट प्रोड्यूसिंग अ कॉमोडिटी और अ सर्विस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट फर्म क्या है वो यूनिट जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूज होती हैं और जिनका मेन मोटिव क्या होता है बेटा टू अर्न द प्रॉफिट्स वो लोग प्रोडक्शन क्यों करते हैं जिससे प्रॉफिट्स अर्न कर पाए इज इट क्लियर नेक्स्ट इकोनॉमिक यूनिट इज गवर्नमेंट द टर्म गवर्नमेंट इंक्लूड ऑल रेगुलेटरी बॉडीज बाई विच इट एक्सरसाइज इट्स कंट्रोल ओवर द बिहेवियर ऑफ हाउस होल्ड एंड द फर्म गवर्नमेंट क्या है एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है जिसके अकॉर्डिंग सारी यूनिट्स वर्क करती हैं ठीक है ठीके? ये सबको कंट्रोल करती है ये हेड कह सकते हैं नेक्स्ट है फॉरेन सेक्टर इट इज़ दैट पार्ट ऑफ एन इकनॉमी विच इज़ कंसर्न विद ट्रांजेक्शन विद ओवरसीज कंट्रीज दिस सेक्टर इंक्लूड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज कैपिटल मूवमेंट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट्स एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स गवर्मेंट क्या है बेटा इट इज़ द डैट पार्ट ऑफ़ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी का वो पार्ट जहाँ पे हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं आउटसाइड द कंट्री ठीक है तो यहाँ पे मतलब जिस जगह आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो आउटसाइड द कंट्री उसको फॉरेन सेक्टर्स कहा जाता है और वहाँ पे जब हम परचेज़ या सेल करते हैं तो उसको हम लोग परचेज़ और सेल का टर्म नहीं यूज़ करते वी यूज़ द टर्म इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ठीक है जब हम परचेज़ कर रहे हैं तो मतलब वहाँ से हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं और जब यहाँ से हम गुड्स को सेल कर रहे हैं बाहर की कंट्री में तो इसका मतलब होता है हम उसको एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तो फॉरेन सेक्टर क्या है बाहर की कंट्री जहाँ पे आप क्या कर रहे हो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स कर रहे हो ठीक है फॉरेन सेक्टर और डोमेस्टिक सेक्टर डोमेस्टिक सेक्टर मतलब आपकी कंट्री फॉरन सेक्टर आपकी कंट्री के बाहर ये दोनों सेक्टर्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा नेशनल इकोनॉमी मतलब पूरी होल इकोनॉमी वर्ल्ड की इज इट क्लियर चोल ऑफ यू ओके स्टूडेंट्स नाउ आई एम गिविंग यू द असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर वन डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स वॉन्ट्स यूटिलिटी प्रोडक्शन सस्टेनेबल कंजम्पन वेलफेयर सेविंग ऑल दीज पॉइंट्स आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन माई वीडियो राइट द डेफिनेशंस क्वेश्चन नंबर टू मैंशन टू कररेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल्थ मैंने आपको फोर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करी हैं आप उसमें से कोई भी दो लिख सकते हो एक्सप्लेन द टर्म वैल्यू इन वैल्यू यू हैव टू एक्सप्लेन बोथ द पॉइंट्स वैल्यू इन यूज एंड वैल्यू इन एक्सचेंज आई होप इट इज क्लियर क्वेश्चन नंबर फोर नेम द फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिस यू हैव टू राइट इट क्वेश्चन नंबर फाइव एक्सप्लेन द बेसिक यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस बेसिक यूनिट्स हम लोग ने चार पढ़ी हैं बेटा हाउस होल्ड फर्म गवर्नमेंट फॉरेन सेक्टर इन सब की एक्सप्लेनेशन भी लिखनी है आपको